सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर सारी पूर्ण विचार याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर कई पूर्ण विचार याचिकाएं दी गई थी। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार होने की बात को खारिज कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में फैसला सुनाते हुए उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है। अब अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। साथ ही ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपनी राजनीतिक हित साधते रहे हैं। अदालत ने राहुल गांधी को भविष्य के लिए भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि चौकीदार चोर है बयान पर राहुल ने माफी मांग ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बड़ी बेंच को फैसला सौंप दिया है। बता दें कि कोर्ट इस बारे में गुरुवार को फैसला सुनाने वाला था, लेकिन 5 जजों की बेंच ने कहा कि परंपराएं धर्म के सर्वमान्य नियमों के मुताबिक हों, और आगे 7 जजों की बेंच इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी। साफ है कि फिलहाल मंदिर में कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 के फैसले को कायम रखते हुए सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को जारी रखा है और इस पर स्टे देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट में इस मुद्दे पर राय बनती नजर आई। 5 जजों की बेंच के 2 जज पूर्ण विचार याचिका को खारिज करने के पक्ष में थे, लेकिन बाकी जजों ने इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला बहुमत के आधार पर लिया है। दोस्तों, मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल और आज में जितने निर्णय आए हैं उनमें सभी में मैं वकील रह चुका हूँ। सबरीमाला का ओरिजिनल निर्णय, सबरीमाला के रिव्यू का आज का निर्णय, श्री राहुल गांधी के कंटेम्प्ट का निर्णय, और कल जो दूसरी खंडपीठ से आया था कर्नाटक के स्पीकर के निर्णय के विषय में निर्णय, तो इन चारों मामलों में चूंकि मैं पेश हुआ हूं एक वकील की हैसियत से, मैं आज भी एक वकील की हैसियत से बोल रहा हूं, मैं राजनीतिक कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा पहलू के कुछ हद तक जो मैंने केरला के बोर्ड के तरफ से दलील की थी सबरीमाला पहले वाले में और सबरीमाला रिव्यू में, मैं केरला बोर्ड की तरफ से पेश हुआ था, और उन दोनों निर्णयों में कुछ हद तक इस रिव्यू वाले पुनर्विचार वाले निर्णय में हमारी दलील को कुछ हद तक माना गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने ये ठीक समझा है कि पहले निर्णय को बड़ी खंडपीठ द्वारा वापस पुनर्निरीक्षण पुनः देखा जाए, तो आंशिक या पार्शियल रूप से मैं समझता हूँ ये सफलता है।